बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे सिंगर की, इन्होंने अपने कुछ ही गानों से म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में तेजी से फेमस हुए पंजाबी सिंगर काका की। काका के तीन गाने इतने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और उनके गानों पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों शॉर्ट वीडियो बन चुके हैं। जैसे कि आप सबने देखा है कि काका का रंग काला है, और ये काला रंग उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये तो सच है कि उनके कुछ ही गानों से वे करोड़ों दिलों पर छा गए, पर सच ये भी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से रिजेक्शन का सामना किया है। वो खुद इंस्टाग्राम पर बताते हैं उन्होंने अपनी आइडिया को लेकर रिजेक्शन मिला, उनकी वॉइस को लेकर उनको रिजेक्ट किया गया, लव प्रपोजल में रिजेक्ट किया गया, बहुत सी जॉब से रिजेक्ट किया गया, चेहरे की वजह से रिजेक्ट किया गया, उनके सॉन्ग्स रिजेक्ट किए गए, उन्हें सोशली इमोशनली मेंटली और उनकी थिंकिंग को भी रिजेक्ट किया गया। इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी काका ने हार नहीं मानी क्योंकि सिंगिंग उनका पैशन है, और उसी पैशन की वजह से उन्होंने सभी के मना करने के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर आप कोई काम मेहनत से करते हैं और आपकी उसमें सच्ची लगन है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही सब एक पंजाबी सिंगर काका के साथ हुआ। इन दिनों वह सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल, सभी जगह पर इन दिनों ट्रेंड पर चल रहे हैं। हर जगह उनकी और उनकी सुरीली आवाज़ की चर्चा की जा रही है। तो आज उनकी इस लाइफ स्टाइल के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तत्व जो शायद आपको ना मालूम हो। आपको बता दें कि काका के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हाल ही में 231,000 प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। काका ने जो भी कमाया है वो उन्होंने अपने 2 साल के करियर में कमाया है। काका का जन्म 1995 में गांव चंदूमाजरा पटियाला पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने ही गाँव के सरकारी स्कूल से की थी, और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजौर से की थी। वहाँ से उन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। काका की फैमिली में 6 लोग हैं, उनके पिताजी, माँ और उनके बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, और उनके एक भतीजा भी है। आपको बता दें कि इनका एक पॉपुलर गाना है जो इन दिनों काफ़ी ट्रेंड पर चल रहा है, और उसका नाम है लिबास, जिसे अभी तक तकरीबन 287 मिलियन बार देखा जा चुका है, और इस वीडियो पर 4.5 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। हाँ, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी यह वीडियो कितना वायरल हो चुकी है। और दूसरे गाने की बात करें तो वह टेम्पररी प्यार है, जिसे अब तक 200 मिलियन बार देखा जा चुका है, और इस वीडियो पर अब तक 3.2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं काका के करियर और स्ट्रगल के बारे में। काका ने डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और काका ने पैसे कमाने के लिए काफ़ी जॉब्स भी की, और उनके जॉब्स से मिलने वाले पैसों को उन्होंने जोड़ा ताकि वे अपने गानों को लॉन्च कर सकें। काका का पहला गाना सूरमा था। कहा जाता है कि काका का लिखने का स्टाइल काफ़ी अलग है, और जैसे कि इनका एक गाना है तीजी सीट, जिसमें काका ने काफ़ी अच्छी राइमिंग की। चलिए बात करते हैं काका के इनकम के बारे में। अगर काका के इनकम सोर्स की बात करें तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपने 2 साल के करियर में 10 से 20 लाख रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।